What's up, you guys? I am Malika Advani and I welcome you all to Gossip, a learning session wholly and solely organized by Workshopedia. Today with us, we have Dr. Kamal Kumar Dixit, who is chairperson of Child Welfare Committee, District Gwalior, Madhya Pradesh. And today's topic is child's right. We have a lot more coming out there, so you guys stay tuned. Hello, sir. So we have a bunch of questions for you. Before wasting our time, let's get started. Sir, first, tell me something about you and your work. I started my career with a multinational company. I have served for the pharmaceutical industry more than 27 years. And after that, I have taken the VRS and started the social work. And what I have observed in the past, that the in our belt, the sex selection based, in Hindi mein bolte hain, kanya bhrun hatya, bahut zyada ho rahi hai. Desh mein bhi ho rahi hai aur hamare pradesh mein bhi ho rahi hai. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे एक नोबल कॉज के लिए कार्य करना शुरू करूं। तो 2007 में मैंने कन्या भ्रूण हत्या पर जो बना हुआ कानून है, जिसको हम लोग PCPNDT एक्ट बोलते हैं, 1994, उसके प्रचार प्रसार के लिए मैंने कार्य करना शुरू किया। और जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे कई जगह ऐसा कार्य करने को मौका मिला कि लोगों को कानून के बारे में उतनी जानकारी नहीं है और जिसके कारण से उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने उस पर जब कार्य करना शुरू किया और मैंने कई सेमिनार्स, लगभग 300 से ज़्यादा मैंने प्रदेश में और अंतर्राज्यीय सेमिनार किए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, उस कारण से मध्य प्रदेश शासन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने तो उस समय स्टार्ट किया था बेटी बचाओ। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया और मैं प्रथम व्यक्ति बना जो PCPNDT एक्ट के लिए 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य अगर अपन एक अच्छी भावना से करते हैं तो कार्य अगर आप लगातार करते रहते हैं तो निश्चित ही उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं PCPNDT एक्ट पर लगातार कार्य कर रहा था तो उसी समय आप लोग जानते हैं कि आमिर खान साहब ने फेमस TV शो लॉन्च किया हुआ था सत्यमेव जयते। जी, तो सत्यमेव जयते के जो सेकेंड पार्ट का जो एपिसोड शुरू हुए थे कन्या भ्रूण हत्या के लिए, उस पर मेरा लाइव रिकॉर्डिंग जो है उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन्होंने ग्वालियर में अपनी टीम को भेजकर यहाँ पर पहले मेरा पूरा वीडियोग्राफी कराई, मेरे वर्क को उन्होंने पूरा समझा और उसके बाद उसको उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपने ही लिए, सबके लिए उन्होंने उसको शामिल किया। और वर्तमान में मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर का मैं चेयरपर्सन हूँ। 12 अक्टूबर 2017 को मैं पदस्थ हुआ था। हमारी बाल कल्याण समिति जिले भर के बच्चों के लिए शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है और हमारे बच्चों के लिए कानून है जिसको हम बोलते हैं किशोर न्याय अधिनियम, बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, उसके पालन में बाल कल्याण समिति कार्य करती है। बाल कल्याण समिति का विस्तृत क्षेत्र होता है, पूरे जिले में बाल कल्याण समिति का अधिकार क्षेत्र होता है और इसमें 5 सदस्य होते हैं और उन 5 सदस्यों में से ही एक चेयरपर्सन होते हैं। इन सभी 5 सदस्यों का चयन होने के बाद जब अपॉइंटमेंट होता है तो माननीय गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा पदस्थापना की जाती है। तो हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में बाल कल्याण समिति है जो बच्चों के, बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए कार्य करती है। सर, ये बालक क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? बालक को डिफाइन जब 2015 में एक्ट बना, JJ एक्ट, तब उसको डिफाइन किया गया। अदर उसमें विभिन्न डेफिनेशन दी गई थी, तो पहली बार इसको डिफाइन किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है उसको हम बालक कहते हैं। बालक जो है जेंडर फ्री वर्ड है, इसमें बालक और बालिकाएं दोनों शामिल हैं। तो जब भी बात कानून में आती है तो सब बालक ही बोला जाता है, विशेष परिस्थितियों में जब बालिका की आवश्यकता होती है तब बोला जाता है, नहीं तो बालक ये जेंडर फ्री है जिसमें दोनों शामिल हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है वो बालक है।
सर, हाउ डिड यू गेट इन टू द लाइन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? आप और भी बहुत सारे एरियाज को कवर अप कर सकते थे, बट आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था कि आपको बच्चों के लिए कुछ करना? मुझे ऐसा लगा कि जिस क्षेत्र में मैंने कार्य किया है, प्रोफेशनली मैंने काम किया है, और वो जब मैं कार्य करता था तो मैं अपने स्वयं के लिए करता था, अपने परिवार के लिए करता था। उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स से, समाज के अन्य व्यक्तियों से जब मैं इंटरेक्ट करता था, तो मुझे लगता था कि आज हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो है जी, वो प्रति 10 साल में सेंसस होती है, और सेंसस के जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो आज़ादी के बाद से लगातार गिरते हुए आ रहे हैं जी, बिल्कुल। और ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस में हुए हैं, तो जो लाभ समाज के हित में होना चाहिए थे, उसके हित होने के साथ साथ उसके जो गलत तरीके हैं जो समाज में, उस तरह से लोगों ने लिंग चयन कराना प्रारंभ किया, तो परिवारों ने लिंग चयन कराना प्रारंभ किया, जो लोग उसके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने करना प्रारंभ किया, और जिसके कारण से हमारे देश का शिशु लिंग अनुपात वो गड़बड़ा गया। आज हमारे देश का जो शिशु लिंग अनुपात है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है जी, वो 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हैं, और ये अंतर बताता कि काफ़ी बड़ा अंतर है। और अगर प्रदेश की बात करें तो 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां हैं, और उस स्थिति में जब आते हैं तो ग्वालियर में स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे प्रदेश में 51 जिले हैं, और 51 जिले में ग्वालियर का नंबर नीचे से दूसरा है। पहले नंबर पर मुरैना है और दूसरे नंबर पर ग्वालियर है। तो जब मैंने ये देखा कि जब मेरे ही क्षेत्र में ऐसी स्थिति है और मैं उस क्षेत्र में कुछ समझ रखता हूँ, मेडिकली भी समझ रखता हूँ, सामाजिक रूप से भी समझ रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में ही कार्य करना चाहिए और समाज में अपने को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे हमारे यहाँ ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें हैं वो समाज इसे रोक सके और एक अच्छा समाज हम स्थापित कर सकें। जी बिल्कुल सर, एक बच्चे के क्या अधिकार हैं? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड? बच्चों के सभी वो अधिकार हैं जो हम और आपके अधिकार जी, बिल्कुल। और बहुत ही सामान्य भाषा में अगर हम समझें कि बच्चों को जो भी आवश्यकताएं हैं, बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं वो उसके अधिकार हैं। लेकिन बच्चों के अधिकार देने की जब बात आती है तो हम बड़े लोग बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, बिल्कुल। और कानून की मंशा यही है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के उसके अधिकारों का लाभ मिले। समाज में जब हमने बात की कन्या भ्रूण हत्या की, तो बच्चों के लिए सबसे पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, बिल्कुल। उसको जन्म लेने का अधिकार है, जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नामांकन होने का अधिकार है कि उसकी बर्थ रजिस्टर्ड हो, इसके लिए भी कानून है, जन्म लेने के लिए भी कानून है। फिर जब वो जन्म ले लेता है तो फिर हम उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं, तो भेदभाव में आ जाता है कि लड़का है तो उसकी परवरिश अलग तरीके से होती है, लड़की है तो उसकी परवरिश अलग तरीके से होती है। तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कानून के द्वारा बालकों को भी अधिकार दिए गए हैं, और उसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बालक जैसे ही जिस धरती पर जन्म ले लेता है वो उस देश का नागरिक हो जाता है, और जो नागरिक के अधिकार हैं वो सारे अधिकार बच्चों के लिए हैं। तो पहला अधिकार, जैसे मैंने कहा, अगर अपन उनको गिनती के तरीके से याद रखने में एक सुविधा हो जाती है कि अगर हम रखना चाहें तो पहला अधिकार जीवन जीने के लिए, कि कहीं भी ऐसी स्थिति में अगर वो लिंग चयन करा लेते हैं या जानबूझकर कोई भी MTP करा देते हैं, MTP का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बोलचाल की भाषा में कहते हैं गर्भपात कराना, तो वो करा लेते हैं, तो ये बच्चे के अधिकारों का हनन है, ये उसका अधिकार है जन्म लेने का अधिकार। फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका दूसरा जो अधिकार आता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अधिकार आता है, विकास के लिए अधिकार आता है। तो विकास में उसकी शुरुआत जो होती है पहले शारीरिक विकास से होती है कि जन्म ले लिया है तो उसका प्रॉपर टीकाकरण हो जिससे बीमारियों से वो सुरक्षित रहे। उसके बाद उसके भोजन की व्यवस्था, और भोजन भी ऐसा हो जो
न्यूट्रिशनली रिकमेंडेड हो, पोषित हो, जिससे बच्चे का प्रॉपर विकास हो। नहीं तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है माल नरिश्ड हैं और वो अपने, ये दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल तक के बच्चों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बच्चे 1 साल मतलब प्रथम वर्षगांठ भी नहीं मना पाते हैं। ऐसे करीबन 33% बच्चे होते हैं वो पहली भी वर्षगांठ नहीं मना पाते क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल जो है वो उस तरह से नहीं मिलता और वो कुपोषित हो जाते हैं। तो ये हो जाता है उनका ग्रोथ के लिए। फिर उनके जब बड़े होते हैं तो शिक्षा का अधिकार आ जाता है कि उनको पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, सारे उसके ये अधिकार हैं। उसको वो सब पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर वो खेल सके, सांस्कृतिक रूप से कुछ सीख सके, फिर आगे बढ़े तो स्किल सीख सके, कुछ कौशल विकास हो सके। और मानसिक विकास तब होता है जब बच्चे को खेलने के लिए पर्याप्त समय मिले और आराम करने के लिए भी पर्याप्त समय लगे। कई बार माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा खेलता है, ये तो बहुत गलत है, हमें इसको रोकना चाहिए। ये भी उसका एक अधिकार है और उसके बुनियादी अधिकार के साथ साथ उसके लिए डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, ये विकास के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है उसके सुरक्षा का अधिकार। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि समाज में ऐसी स्थिति हो गई है, अखबारों के द्वारा या टीवी के द्वारा हम देखते हैं कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जिसके कारण से पूरा समाज जो है एक चिंतित अवस्था में है। आज एक माँ जिसकी अगर बच्ची है, वो किसी भी उम्र की है, अगर बच्ची घर से बाहर जाती है, स्कूल भी जाती है, जब तक वो घर लौट कर नहीं आती है तो माँ चिंतित रहती है और उसको लगता है कि कोई अगर ऐसा कोई अप्रिय समाचार ना आ जाए। तो ये सुरक्षा का अधिकार भी जो है वो बालकों का प्रमुख अधिकार है। तो सुरक्षा देने का अधिकार हम सब बड़ों का है जी। बालक तो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो ये हम सब बड़ों का है कि हम हर बालक को, ये जरूरी नहीं कि वो उनका बायोलॉजिकल सन हो या डॉटर हो, कोई भी अगर बच्चा है तो देश का कानून भी यही कहता है, जे जे एक्ट भी यही कहता है कि हर बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो उस बच्चे को सुरक्षा प्रदान करे। और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये दंडनीय अपराध भी है। अगर कोई शिकायत कर दे या बच्चा शिकायत कर दे कि मैं इस परिस्थितियों में था और मेरी परिस्थितियों में इन अंकल ने या इन आंटी ने मेरी मदद नहीं की, तो कानून में ये दंडनीय अपराध है। तो ये तीसरा हो गया उसका सुरक्षा के लिए। तो इसलिए पूरा समाज मिलकर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो सामान्यतः हम बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग उस अधिकार को अधिकार नहीं समझते हैं, वो अधिकार है, शायद आपने भी अपने बचपन में नहीं देखा होगा ना समझा होगा, अभी आप समझ जाएंगे तो हो सकता है आप भी घर जाकर अपने मम्मी पापा से बात करें। वो अधिकार है सहभागिता का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन। हम बच्चे जब बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि आप बच्चे हैं, अभी बड़ों के बीच में आप बात मत कीजिएगा, जब बड़े हो जाएंगे तब इस बात को समझेंगे। तो हम उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, या सुनते भी हैं तो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ये उनका कानूनी अधिकार है, राइट टू पार्टिसिपेशन। उनको उतना अधिकार का तवज्जो भी मिलना चाहिए, सहभागिता भी मिलना चाहिए, और मिलने का तात्पर्य है कि वो दिखना भी चाहिए कि बच्चा को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे द्वारा मेरा ये क्रिएशन है, मैंने ये अपना मुद्दा रखा था, मैंने अपना ये पॉइंट रखा था, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे स्कूल ने, समाज ने मेरी इस बात को सुना, समझा और उसको उसमें शामिल किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो बालक के लिए होता है। ये अधिकार उसके शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है जी, सबसे आवश्यक लगता है, सबसे आवश्यक लगता है। नहीं तो कई बार उसी बच्चे की स्थिति होती है कि जब वो 8-10 साल का होता है तो माता पिता ये कहते हैं कि ये बच्चा, आप बहुत छोटे हैं, और जब जैसे ही 14-15 साल का होता है तो वही माता पिता कहते हैं अब आप बड़े हो गए, ये शरारतें आप बंद कर दीजिएगा, है ना, आप कुछ थोड़ा सा आप लिहाज कीजिएगा, है ना, अब आप बड़े हो गए। और अगले ही दिन अगर वो बच्चा कोई बात की अपनी बात रखता है तो कहते हैं नहीं अभी तो आप छोटे हैं, आपको कैसे बाहर भेज दें, आपके साथ ये कैसे अनुमति दे दें। तो कभी आप छोटे हैं, कभी आप बड़े हैं, तो बच्चे की जो असमंजस की स्थिति बनती है उसके मानसिक विकास पर ये एक अवरोध पैदा कर सकता है। तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का ये अधिकार है।
सो ये प्रमुख थे चार तरह के जो अधिकार हैं, जी इसमें सभी अधिकार शामिल हो बहुत जाते महत्वपूर्ण है जी। सर, जिन लोगों के माता पिता हैं वो तो उनके अधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी अधिकारों की सुरक्षा कौन, सरकार कर रही है? सरकार किस प्रकार कर रही है, अगर ये सरकार कर बहुत रही अच्छा है? प्रश्न है और जिस तरह से आपने पूछा, हम सब पूरे समाज में ऐसा ही लगता है कि जिनके माता पिता हैं वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। जी तो थोड़ा सा हमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार कहाँ से काम करती है, माता पिता कहाँ काम करते हैं और समाज कहाँ काम करता है। तो हर बच्चा, जो भी बच्चा है, मान लीजिए आज हमारे ग्वालियर जिले में जो बच्चा है, जी वो बच्चे का आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि इनके ये पेरेंट्स हैं, ये बायोलॉजिकल मदर फादर हैं। जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, वो अडॉप्शन पर जाते हैं और उनको अडॉप्टेड मदर फादर मिलते हैं। और कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं नहीं होते होते हैं, हैं। या होते हैं तो उन्हें वो लालन पालन नहीं करते हैं। तो अब ये जो बच्चा है, इस बच्चे की देखभाल कौन करता है, जो आपने प्रश्न किया। तो आप ये बात को इस तरह से समझिएगा कि जो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होती है बड़े लोगों के पास, जी जैसे मकान है, दुकान है, ठीक है, ये गाड़ी है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है तो उसका मालिक कौन होता है? उसका मालिक सब समझते हैं कि जिसके नाम पर वो रजिस्ट्री है वो उसका मालिक है। जी ये बात सही नहीं है। जिसके पास जो रजिस्ट्री है वो सिर्फ उस चीज का, उस अगर वो प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का, अगर कोई व्हीकल है तो उस व्हीकल का कस्टोडियन है। उसका असली मालिक तो स्टेट है, सरकार है। आपने देखा होगा कि जब सरकार को जरूरत होती है कहीं से सड़क हाँ निकालना है और कोई मकान उसमें कोई व्यवधान पैदा कर रहा है, तो सरकार जाकर उस मकान को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनको बाकायदा नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है, जी क्योंकि सारा जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट की है। और उस समय हमें समझ में आता है और तब तो हमें लगता है कि ये कैसा कानून है। तो सारी चीज़ों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये काम स्टेट का होता है, सरकार का होता है। बच्चों की स्थिति में भी माँ बाप का जो बच्चा है वो भी बच्चा, वो माँ बाप उसके कस्टोडियन है। बच्चा तो स्टेट का है, सगे माँ बाप भी अपने बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। सगे माँ बाप भी जो चार अधिकारों की मैंने बात की है प्रमुखता से, जी उनका हनन नहीं कर सकते हैं। सरकार ही उन सारे अधिकारों का मॉनिटरिंग करती है। तो सारे बच्चों का जो हेड है वो स्टेट है, जिनके पालक हैं, जिनके माता पिता हैं उनके लिए, और जिनके नहीं हैं उनके लिए भी। अब जिनके माता पिता हैं वो उनके लालन पालन कर लेते हैं, अगर वो तरीके से लालन पालन नहीं करते हैं, बच्चों की उपेक्षा करते हैं, तो बाकायदा जे एक्ट में प्रावधान है, उनके विरुद्ध भी अपराध को पंजीकृत किया जाता है। ठीक है, जी अब आपका प्रश्न ये था कि जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए एक बहुत आवश्यक जानकारी है जो हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी बच्चा अगर किसी बड़े व्यक्ति को मिलता है, बड़े से मेरा उम्र है 18 साल से बड़े को जी मिलता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है ये बच्चा अपने घर से चला आया है और आज ये संकट में है, संकट इन द सेंस कि उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ नहीं है, उसके कोई टीचर्स उसके साथ नहीं है, उसका कोई परिचित उसके साथ नहीं है, तो ऐसा बच्चा जो है वो संकटग्रस्त बच्चा कहलाता है। और उस बच्चे की मदद करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षित रखा जाए। जी तो ये कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये बहुत आसान है। इसके लिए एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसको कोई भी व्यक्ति, इवन बच्चा भी उस नंबर पर सूचना दे सकता है। ये नंबर है 1098, हिंदी में आसानी से याद रख सकते हैं, उल्टे पैटर्न पर चलता है 1098। ये चाइल्ड लाइन का नंबर है और देश के प्रमुख शहरों में ये चाइल्ड लाइन की व्यवस्था है, उस पर सूचना देते हैं। शहर में, ग्वालियर शहर में अगर आप सूचना देते हैं तो आधे घंटे के अंदर चाइल्ड लाइन का कार्यकर्ता उस बच्चे के संपर्क में आ जाता है और उस बच्चे को कानूनी रूप से अपने संरक्षण में ले लेता है। चाइल्ड लाइन के अलावा आप पुलिस में भी सूचना दे सकते हैं, 100 पर भी दे सकते हैं। देश के हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी का नियुक्ति होती है जो जी बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो हर थाने में होता है।
तीसरी बात, इसी जेजे एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही एक स्पेशल पुलिस का भी गठन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं किशोर पुलिस। वो साधारण डिटेंशन में रहते हैं, वो भी हर जिले में रहते हैं, और वो भी बच्चों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब ये बच्चा मिलता है इन किन्हीं भी साधनों से, चाहे वो चाइल्ड लाइन के द्वारा मिले, चाहे पुलिस के द्वारा मिले, 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे के सारे अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसके हितों के, सर्वोत्तम हितों के संरक्षण के लिए निर्णय लेती है कि बच्चे को गृह में रखा जाए। सरकार के द्वारा गृह को संपादित किया जाता है, संचालित किया जाता है, वहाँ रखा जाता है। बच्चे के माता पिता को ढूंढने के लिए आदेश प्रसारित करते हैं, बच्चे के माता पिता को पुनर्स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से सरकार जो है बच्चे का संरक्षण करती है। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी है, उतने ही हमारे हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए इतना तो कम से कम करें कि 10-9-8 पर फोन करके सूचना दें। सर, हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइफ पे, तन्मय जैन का। डू यू थिंक दैट प्राइमरी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इराडिकेटिंग द चैलेंज ऑफ अ चाइल्ड लेबर? स्टिल आई सी एजुकेशन इज देयर बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट देयर। व्हाट शुड बी द रोड अहेड? शेड सम लाइट। या, वेरी राइटली सेड, बिकॉज इन द इंडियन कल्चर जी, even we are working and we are not getting the proper basis. Similarly, many places, even you go through any place where the small tea stalls are there, mm-hmm. dhabas there, we could find there are the many childs they are working. Mm-hmm. That could be the reason of the education of the parents, but it is also a social evil. We as a learned person, we know the laws, we know the culture of the society, but we never intervene. We are just saying, feeling sad at that time when watching a child, yeah. And we are not taken a simple pain to inform by the just, I already said, 10-9-8-1098. If anybody can inform to the child line or 100, that the person who is taking the child labor, right, can be held under the law. Ji. So that could be the reason the effect of the law cannot be seen. क्योंकि हमारे समाज में कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून का पालन करना और उसके प्रक्रिया को फॉलो करना सिटीजन्स का रोल आता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर शिकायत नहीं होगी, हमें गवाह नहीं मिलेंगे, तो फिर हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो वास्तव में उसने अपराध किया है जी। और जब तक अपराध साबित नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति को कानून का भय पैदा नहीं होता है। सर, जैसे इन्होंने बोला है कि एजुकेशन तो है, एजुकेशन जैसे एक अधिकार है हर बच्चे का, एजुकेशन तो है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। सरकार जो एजुकेशन दे रही है उससे बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है आजकल के बच्चों को, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपका उनका देखने का नजरिया है जी। और समाज में हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है और वो सम्माननीय होता है, उसमें कहीं कोई डिबेट जैसी बात नहीं है जी। लेकिन अन्य नजरिए भी साथ में चलते हैं। तो सोसाइटी में जो अन्य नजरिए चल रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश करती है कि बच्चों को एजुकेशन मिले, चाहे वो सरकारी एजुकेशन मिले या प्राइवेट मिले, लेकिन हम समाज के लोग उस एटमॉस्फेयर को कल्टीवेट नहीं करते हैं। हम कितने हैं जो बच्चों को मोटिवेट करके विद्यालय भेज पाते हैं? हम उस समय तक ही बातचीत करते हैं जब हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं, उस समय तक ही हमारी संवेदनशीलता होती है, और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद हमारी संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम सबको मिलकर करना है। आज हमारे शहर में बहुत सारे युवाओं का ग्रुप है, आप जैसे युवा हैं जो जाकर अन्य ऐसे स्थानों पर आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं। तो क्वालिटी हम सबको मिलकर ही इम्प्रूव करना है, क्योंकि क्वालिटी सब्जेक्टिव टर्म है, ये इसको हर व्यक्ति अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है कि सबके लिए अलग अलग है रोल ऑफ क्वालिटी क्या है। तो इसमें सरकार जितना कर सकती है उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। सब जगह सरकारी विद्यालय हैं, अगर हम भी वहाँ जाकर महीने में एक बार भी विजिट करें, बच्चों से बातचीत करें, तो दोनों तरफ से उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
स्कूल कैन बी गिवन द राइट फोकस टू द चाइल्ड. उनको भी लगेगा कि सम सोशल वर्कर दे आर ऑल्सो वॉचिंग अवर एक्टिविटीज द वे वी आर टीचिंग द चाइल्ड इन द स्कूल. सो इससे भी उनको भी अपने को और बेहतर करने का एक जज्बा उनमें भी पैदा होगा. तो इस तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है. सर, जो आपकी कमेटी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये किस किस एरिया में काम करती है एक बच्चे के लिए? ये जेजे एक्ट जो बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसके प्रमुखतः दो भाग हैं. और कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जितने भी बच्चे, जैसे मैंने बोला अभी, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, बच्चा बालक कहलाता है, अगर उसके के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया है जो कानून के विरुद्ध है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ. उसने ऐसा कोई कार्य किया, हम उसको अपराधी नहीं बोलते हैं, बाल अपराधी नहीं बोलते हैं. नहीं, हाँ. क्योंकि 18 साल तक कोई भी बालक अपराधी नहीं है, ऐसा हमारे कानून की मान्यता है. तो अगर वो ऐसा कोई कार्य कर लेता है तो हम बोलते हैं चाइल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ. तो उसकी सुनवाई करने के लिए एक जेजे एक्ट में एक जेजे बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं और दो मेंबर्स होते हैं. तो ऐसे तीन सदस्यों का बोर्ड होता है, वहाँ पर उनकी सुनवाई होती है. सुनवाई होने के बाद अगर लगता है कि बच्चे के द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है, तो बच्चे को जितने दिन में वो बोर्ड तय करता है, संप्रेषण गृह में उसको भेज दिया जाता है. तो ये बच्चे वो हो गए जिन्होंने कानून का किसी कारण से उनसे उल्लंघन हो गया है. अब बाकी जितने भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है. अब आप देखिएगा कितना बड़ा क्षेत्र है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का होता है. तो लगभग 85% बच्चे जो हैं वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंडर आते हैं. तो ये इसीलिए कमेटी जो है 5 सदस्यीय कमेटी होती है. ग्वालियर में हमारा ऑफिस गोरखी में है. प्रत्येक सदस्य को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स रहते हैं. तो पूरी बेंच जो है एक 5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बेंच की तरह, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरह कार्य करती है. तो बच्चों के हित के जितने भी कार्य हैं जी, लीगल कार्य है. तो आप एक तरह से सामान्य व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये बच्चों का न्यायालय है. जैसे बड़ों के लिए हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, अन्य कोर्ट में जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, ये बच्चों को करने के लिए बच्चे को आने की आवश्यकता नहीं है. वो फोन के द्वारा भी कर सकता है, पुलिस के द्वारा भी कर सकता है, वो स्वयं आके भी कर सकता है, वो अपने पारिवारिक सदस्य के द्वारा कर सकता है, टीचर के द्वारा कर सकता है, किसी के भी द्वारा अपनी बात वो आकर वहाँ पहुँचा सकता है. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके हितों के संरक्षण करने के लिए कार्य करती है. तो हम लोगों का एक ही जो प्रमुख हम सेइंग कहते हैं, इट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, उसके लिए बाल कल्याण समिति कार्य करती है. और कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं शहर में, आपने देखा कई बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा होती है कि झाड़ियों में बच्चों को फेंक दिया जाता है. और वो बच्चों को कोई भी समाज सेवी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके मन में करुणा है वो अस्पताल तक पहुंचाता है. तो ऐसा बच्चा जो बाल कल्याण समिति के पास नहीं आ पाता है, तो उन परिस्थितियों में बाल कल्याण समिति बच्चे के पास जाती है और उसको सुरक्षा, उसकी देखभाल और सारे अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाल कल्याण समिति पहुँच कर कार्य करती है. तो इस तरह से बाल कल्याण समिति जिले में कार्य करती है. सर, व्हाट लेड टू इमरजेंसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा? क्योंकि हमें पता है सबके माता पिता हैं, वो उनके अधिकारों का वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, वो देख लेंगे. तो फिर ये कमेटी की जरूरत क्या पड़ी? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हर बच्चा जो है वो बच्चा स्टेट का है जी. ये हमें लगता है कि हमारे माता पिता बच्चे के हैं, उसका लालन पालन सही कर रहे हैं, ये समाज को भी लगता है. लेकिन जब हमारे पास केस आते हैं, प्रकरण आते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें हमें लगता है कि माँ बाप ही बच्चे पर अत्याचार कर रहे हैं, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं. कई बार हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं सौतेले माँ है, सौतेले पिता है. तो जब हम उनके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो बायोलॉजिकल माता पिता है. तो बच्चों के अधिकार को, के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है जी. तो जब ऐसे केस आते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि अगर वो भी अगर हनन करते हैं तो उनके साथ भी काउंसलिंग की जाती है,
बच्चों के साथ काउंसलिंग की जाती है, माता पिता के साथ काउंसलिंग की जाती है, उनको एहसास कराया जाता है कि आपकी परवरिश में कमी है, इसको आप सुधारिएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि एक परिवार में दो बेटे हैं, एक बेटे ने 12th पास किया, IIT का एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट होकर सेकेंड ईयर IIT में है। अब उसका एक छोटा भाई है जो 4 साल छोटा है, उसने 12th किया, 12th में सेकेंड डिवीजन आ गई, उसके भी ऊपर प्रेशर है कि बड़ा बेटा मेरा IITian है तो आप भी IIT करो। अब वो पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है और परीक्षा देते देते उसको मालूम है कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन परिवार का दबाव है कि नहीं IITian होना है। वो बच्चा क्या करेगा? एक दिन आता है कि वो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है। तो वो बच्चा जिसके माता पिता है, जैसे ही घर छोड़ता है तो बच्चा संकटग्रस्त हो जाता है, उसका कोई संरक्षण नहीं है। अब ये माता पिता कहते हैं ये क्या सोचना गलत है कि मेरा एक बेटा IIT है तो दूसरा ना हो। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के ऊपर। ये वो सोचते हैं कि हम उम्र में बड़े हैं, हम जो सोचते हैं वही सब ठीक है, ये हमेशा ठीक नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि हर माँ बाप के हर बच्चा IITian हो, हर बच्चा डॉक्टर हो, हर बच्चा जज हो, हर बच्चा वकील हो या अच्छा समाज सेवी हो। तो ये बच्चे का अधिकार है कि वो तय करेगा कि उसको किस क्षेत्र में जाना है और क्या करना है, लेकिन हम पेरेंट्स के रूप में इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम उम्र में बड़े होने के कारण दबाव डालते हम हैं अनावश्यक शारीरिक, जी। मानसिक और अन्य तरह के दबाव पैदा करते हैं जिससे बच्चे के विकास पर और उसके अधिकारों को हनन होता है। इस संरक्षण करने के लिए ही बाल कल्याण समिति है। सर, व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स टू द पीपल हु वांट टू वर्क इन दिस एरिया? ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसे बहुत सारे युवा जी साथी हैं और अन्य गणमान्य समाज से भी बंधु हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, बच्चों के लिए भी कार्य करते हैं, अन्य लोगों के लिए भी कार्य करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, बच्चों के अधिकार हैं और जाने अनजाने में उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको जो कानून है बच्चों के ऊपर लागू है, लगभग 30 से ज़्यादा कानून है जो बच्चों के हितों के संरक्षण करने के लिए देश में लागू हैं। जी जैसे कि मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि बच्चा जो है वो स्टेट का है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके माता पिता नहीं है तो हम इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके माता पिता तो स्टेट है जो हमेशा उसका ख्याल रखता है। तो जो लोग बच्चों के साथ सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी बच्चे के साथ काम करते हैं और उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जरूर चाइल्ड लाइन को सूचित करें। वो चाहें तो हमारी जो बेंच लगती है गोरखी में फर्स्ट फ्लोर पर है और मंडे और वेडनेसडे को हम लोग हमारी बेंच रहती है और थर्सडे को हमारे पास जितने गृह हैं ग्वालियर में उनके हम लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं। वहाँ पर बच्चे रहते हैं, बालिका गृह है, बालक गृह है, वहाँ पर बच्चे रहते हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या अन्य स्टेट से आए हैं या अन्य जिलों से आए हैं। जी जब तक कि उनका घर का पता लगाया जाता है तब तक उनके संरक्षण के लिए हमने गृहों में उनको रखा हुआ है। तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बच्चों के साथ कार्य करते हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि बाल जानकारी लें, समझें उनको और उनके अगर कहीं बाल अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुरंत वो चाइल्ड लाइन को सूचना दें या बाल कल्याण समिति को सूचना दें जिससे जाने अनजाने में किसी भी बालक का अधिकारों का हनन ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी अगर बालकों के अधिकारों को हनन करता है तो वो दंडनीय अपराध है। ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ हम सॉरी बोलकर नहीं बच सकते हैं। जी अगर किसी बच्चे ने अगर शिकायत कर दी कि इन अंकल ने, इन आंटी ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो वो फिर अंकल और आंटी के अंडर ट्रायल जाना पड़ेगा। और बच्चों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। देश का कानून ऐसा कहता है कि अगर बच्चे ने जो बोला है तो हम ये मानते हैं कि बच्चे ने सही बोला है। साबित करने का जिम्मेदारी जो 18 साल से बड़े हैं उनको ये साबित करना पड़ता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। और ये बहुत कठिन काम है ये साबित करना कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो इसलिए वो लोगों के लिए जो उनसे साथ काम करते हैं कानून की जानकारी रखें। अगर उनको लगता है हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास आएँ, हम उनके लिए भी सेमिनार भी आयोजित कर सकते हैं कि कैसे बेहतर इन अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, जी बच्चों के साथ कैसे उनके अधिकारों को
वो अपना लाभ ले सकें अधिकारों का। ये तीसरा आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम और आप रोजाना देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बच्चों के साथ लैंगिक अपराध बहुत हो रहे हैं। जी और ये भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी फैलेसीज है कि वो ये समझते हैं कि लड़कियों के साथ लैंगिक अपराध ज़्यादा होते हैं। आप क्या समझते हैं, लड़कों के साथ लैंगिक अपराध ज़्यादा होते हैं कि लड़कियों के साथ ज़्यादा होते हैं? लड़कियों के साथ ज्यादा ये समाज, सामान्यतः समाज यही मानता है जी कि लड़कियों के साथ लैंगिक अपराध ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब WHO ने एक सर्वे करवाया तो उन्होंने पाया कि दुनिया के दो देश ऐसे हैं जिसमें भारत का भी नाम है और वियतनाम का नाम है, इन दोनों देशों में लड़कियों की तुलना में लड़कों पर लैंगिक अपराध ज़्यादा होते हैं। अच्छा और वो अपराध रिपोर्टेड नहीं होते हैं। जब वो सर्वे में हुआ तब तो उन्होंने जानकारी मिली कि बच्चों के साथ कई कई बार अपराध होते रहे, ना परिवार ने तो ध्यान दिया, ना पुलिस विभाग ने ध्यान दिया, ना उन्होंने चाइल्ड लाइन तक खबर पहुंची। और इस तरह से बच्चों के जब लैंगिक अपराध होते हैं तो उनके सारे विकास के पैरामीटर जो हैं वो स्टंटेड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो मेरा ये भी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना है कि कानून जो बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट, जी द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस 2012, बहुत सख्त है। वो भी हर नागरिक को एक जिम्मेदारी देता है कि अगर उनकी जानकारी में ऐसा अपराध हो रहा है तो उसकी तुरंत 24 घंटे के अंदर सूचना पुलिस को दें, और पुलिस के लिए भी उसमें गाइडलाइन है कि 24 घंटे के अंदर वो प्रकरण को दर्ज करें। अगर नहीं करते हैं तो दोनों पर सजा का प्रावधान है, 6 महीने की सजा और आर्थिक दंड, या दोनों हो सकते हैं। तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, कानूनी रूप से भी और नागरिक होने की भी जिम्मेदारी है, कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी बालक के साथ या बालिका के साथ लैंगिक अपराध होने की संभावना भी है, मैं अपराध होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर होने की भी संभावना है तो अभी रिपोर्ट करें। जी तो ये जो है हमारे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है, जिसके प्रचार प्रसार से निश्चित ही अगर किसी बालक के साथ अन्याय हो गया है तो कम से कम उस अन्याय के लिए उसको कानूनी रूप से न्याय मिल सके, और जो भारत सरकार की कंपनसेशन की व्यवस्था जी है, उसकी विशेष देखभाल की सुविधा है, वो उस बच्चे को मिल सके जिससे उसका जो मानसिक और शारीरिक आघात हुआ है उसके ट्रॉमा को कम से कम किया जा सके। और एक और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा, बच्चों के कार्य और बच्चों के अधिकार को भारत सरकार ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। कई बार आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, खासकर मीडिया को भी वह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ यदि कोई भी घटना घट जाती है जी जहाँ पर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, और वो अगर न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे समझ लीजिएगा कि एक बच्ची अपने पिता की डांट से नाराज होकर ग्वालियर के स्टेशन पर जो प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी थी उसमें बैठ जाती है, और बच्ची की उम्र लगभग 12 या 13 साल है, जी और वो चल देती है और झांसी पहुंचती है, और वहाँ पर अगर झांसी रेलवे चाइल्ड लाइन को पता चलता है तो वो अपनी कस्टडी में ले लेती है, और जैसे ही कस्टडी में ले लेती है तो झांसी में मीडिया वालों को मालूम पड़ता है कि एक बच्ची अपने माता पिता से डांट के कारण घर छोड़कर आ गई है और हमारे पास, हमारे जिले में है, तो उसकी खबर प्रकाशित करने के लिए उसे विशेष सावधानी का ध्यान रखना होता है। वो विशेष सावधानी ये है कि बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, बच्चे के माता पिता का नाम, बच्चे का विद्यालय का नाम, बच्चे का एड्रेस, बच्चे की ऐसी कोई बात नहीं प्रकाशित कर सकते हैं जिससे बच्चे की पहचान हो जाए। ये अच्छा बहुत जरूरी कानून है, और सामान्यतः लोग इन बातों का ध्यान नहीं करते हैं, बाद में उन पर मुकदमे कायम होते हैं और उनको ट्रायल में आना पड़ता है, और जब वो नहीं साबित कर पाते हैं तो उनके सजा का प्रावधान है। तो JJ एक्ट की धारा 74, ये बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कि बच्चों के इस तरह के किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, इसको निषेध किया गया है, किसी भी मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया जाएगा, ना प्रिंट मीडिया में किया जाएगा, ना सोशल मीडिया में किया जाएगा। किन्हीं कारणों से प्रकाशन अगर बहुत जरूरी है और बच्चे के हित में है तो बाकायदा लिखित में
परमिशन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से लिया जाएगा, और अगर उस बच्चे ने अगर कानून से विवादित है तो जेजे बोर्ड से लिया जाएगा। ये दो ही संस्थाएं हैं जो बच्चों के प्रकाशन की अनुमति देते हैं। अनुमति के बाद अगर आवश्यक है तो प्रकाशन किया जाएगा। तो ये भी समाज को बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, खासकर जो लोग विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के साथ कार्य करते हैं, अनजाने में वो अपने अच्छे कार्य को बताने के लिए बच्चों के फोटो प्रकाशित कर देते हैं, उनका इंटरव्यू प्रकाशित कर देते हैं। ये जेजे एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने की सजा है और 2 लाख का जुर्माना है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो मेरा सभी सामाजिक बंधुओं से भी मेरा आग्रह है, मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि जब भी बच्चे बच्चे बालक बालक से तात्पर्य 18 साल से कम, अगर कभी भी कोई स्थिति बनती है तो जरूर बाल कल्याण समिति से संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और आप लोग, अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है जिसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ 10-9-8। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वर्कशॉप्स लाइक दिस। थैंक यू।